बिग एंड बोल्ड में मैंने आपको बताया कि लोकसभा से जो क्रिमिनल बिल है वो पास हुए, लेकिन राज्यसभा में अब इस पर बातचीत की जा रही है। अमित शाह अपना पक्ष रख रहे हैं, राज्यसभा से पास होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते ही आखिर ये इनैक्ट हो जाएगा। देखिए इसमें क्या कह रहे हैं। मेरा सभी सदस्यों को अनुरोध है, आप ध्यान से पढ़ोगे तो भारतीय दर्शन के न्याय को हमने इसके अंदर स्थान दिया है। हमारे संविधान निर्माताओं ने भी राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय और सामाजिक न्याय को बरकरार रखने की संविधान की गारंटी हमारे 140 करोड़ के देश को दी है। इसको भी परिपूर्ति करने का इस तीनों बिल के अंदर प्रयास किया गया। ये कानूनों की आत्मा मान्यवर भारतीय है और पहली बार क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में भारत द्वारा भारत के लिए और भारतीय संसद से बनाए गए कानूनों से अब हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम गवर्न होगी। इसका मुझे बहुत गौरव है मान्यवर। भारतीय न्याय संहिता के खंड 2 में डेफिनेशन दी है। डेफिनेशन के अंदर भी हमारी पौराणिक न्याय की जो कल्पना है, मैं मानता हूं समग्र विश्व के न्याय के जितने भी दर्शन है उसमें वो सबसे उदार चरित कल्पना है। वो उदार चरित कल्पना के आधार पर हमने सभी व्याख्याओं को लिया है। जेंडर एक्ट, ओमिशन, मूवेबल प्रॉपर्टी, ये सारी व्याख्याओं को हमारे यहाँ 10,000 से लेकर 5,000 साल पहले इस पर विचार भी हुआ है, उसको रेखांकित भी किया गया है। और आज मुझे लगता है जब ये एक्ट बनाने के लिए विचार विमर्श होता था, ढेर सारे लोगों से मैंने विचार विमर्श किया था, उस वक्त लेटिन कंसेप्ट को भी मैंने देखा है, रोमन कंसेप्ट को भी देखा है, आयरिश कंसेप्ट को भी देखा है और भारतीय न्याय के मूल विचारों को भी पढ़ा है मान्यवर। मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि भारतीय हमारे पुराणों में, हमारे साहित्यों में जो न्याय की कल्पना है, विश्व की सारी न्याय की कल्पनाओं में सबसे उदार चरित्र और सबसे महान ये कल्पना के